गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एक उसका डाउट क्लियर कर लिए और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देख लिए। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग के अल्टीमेटली लगभग क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन है तो 19 क्वेश्चन की हमारे सॉल्व होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है आपको, तो आप पूछिएगा जरूर से और अपनी चीजों को क्लियर करते चलिएगा। तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एनएथ टर्म ऑफ द 2AP दिस 63, 65, 67 एंड 3, 7, 3, 10, 17 आर इक्वल, ठीक है। हमको बताना है कि इन दोनों एपी को, अगर ये दोनों एपी इक्वल हैं, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल हैं, तो किस एन के लिए, मतलब वो एन कौन सा होगा, किस टर्म के लिए ये दोनों एपी इक्वल होंगे। तो दोनों एपी को अलग अलग लिख लीजिए। सबसे पहला है 63, 65, 67 .. इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 63, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 65 एंड 63 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसमें हम लोग को बताना है कि इसका मतलब एनएथ टर्म की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। दूसरी एपी क्या है 3, 10, 7 .. फर्स्ट टर्म कितना है 8, 3, D, 7 और इसमें भी एनएथ टर्म क्या होगा, मतलब दोनों में हम लोग को एनएथ, किस एनएथ टर्म के लिए, मतलब किस एन के लिए दोनों का एनएथ टर्म इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं कि इसका एनएथ टर्म TN है, ठीक है, और इसका एनएथ टर्म कितना है T-N है, मतलब कोई एनएथ टर्म T- हो गया। आप इसको लिखना चाहते हैं TN लिखना चाहते हैं तो T1N और इसको लिख सकते हैं T2N, तो स्क्वायर नहीं है, ये सिंबल है, मतलब ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है। तो इसके एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा N/2, यही होता है, नहीं, क्या होता है एनएथ टर्म का फॉर्मूला A+N-1 × D और यहां भी क्या होगा A+N-1 × D, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 63, N की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे A की वैल्यू 3, N की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू कितनी है 7। जब इसको देखो आ रहा है बोर्ड में, हाँ, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 63 इधर, इसको इधर करेंगे माइनस करेंगे तो 63 - 3 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और 2 का इस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × N, 2N - 2 = कितना हो गया 7N - 7 मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 62 - 2 = 58, 7 इधर आएगा प्लस का 7 और 7N - 2N, कोई दिक्कत, सही है ना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 58 और 7 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया और 5 और 1 = 6 हो गया, 7 - 2 कितना हो गया 5N हो गया, और डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू 13 आएगी। यही हमसे पूछा था कि N की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी जो होंगे, दोनों एपी के एनएथ टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो N की वैल्यू जब 13 होगी तो दोनों एपी के एनएथ टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई डाउट, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, एक और क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। कुछ नहीं है इसमें, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन क्या होगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है डिटरमाइन द एपी, उस एपी को मालूम करिए हूज थर्ड टर्म इज 16। सबसे पहले कितना टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म दिया, यानी यहाँ पे अपना सॉल्यूशन लिख लीजिएगा ये सारी कहानी। थर्ड टर्म कितना दिया 16, तो T3 = 16 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक दिया है एंड द 7th टर्म, जो 7th यानी T7 एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मतलब जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। समझ में आया, इक्वेशन बना कि नहीं बना, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो T7 = T5 + 12। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो TN = क्या होता है A+N-1 × D, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा A+3 - 1 × D = 16, सही है। तो A+2D = कितना हो गया 16, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब T7 को क्या लिखेंगे डायरेक्ट अगर मैं लिखूं N-1 यानी 7 - 1 = 6D, T5 को N-1 यानी 5 - 1 = 4D + 12,
अच्छा ए इधर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ए की कहानी खत्म हो जाएगी। और 6d-4d, 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 6, सही है। अब d की वैल्यू यहां से लेके इसमें पुट कर देंगे, तो इसको लिख देते हैं 2, क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, और लिखेंगे पुटिंग d इन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करने पर, तो पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4, यानी हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई, और किसी भी ap को मालूम करने के लिए d और a की वैल्यू हम लोग के पास होना जरूरी है, ठीक है। हमसे क्या कहा था, डिटरमाइन द ap हूज थर्ड टर्म इज 16, सेवन टर्म इज एक्सीड बाय द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो मैंने इक्वेशन बना लिया और लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एपी निकालना है, तो एपी कोई भी एपी क्या होती है, ए होता है, फिर क्या होता है ए प्लस डी होता है, फिर क्या होता है ए प्लस टू डी होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कोई भी टर्म एपी का निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 4, दूसरा क्या हो जाएगा 4 और प्लस डी 4 प्लस 6, तीसरा क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 6, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो पहला टर्म 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 6 2 जा 12 और 4 16 हो गया। देखो सब में कितने का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, यानी ये कैसी सीरीज बन गई, एपी सीरीज बन गई। तो हमको दो क्या दिए थे, क्लूज दिए थे, और उन क्लूज के अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, हम लोग को एक एपी मालूम करनी थी, कोई भी एपी मालूम करने के लिए ए और डी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, नोट करिए। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन दे रहा है, और द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड द टेन टर्म ऑफ एन एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। आपको इक्वेशन देगा, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही आप ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोई भी सीरीज एपी की आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है, अब देखो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है और हमारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इजिली, बस आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। हमेशा जब भी आप एपी के क्वेश्चन करोगे, कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम करते हो, तो आपका मेन क्या होता है कि आप अगर लैंग्वेज समझ गए हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अगर आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म इज 24, ठीक है। और दूसरा क्या है, द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड द टेन टर्म इज 44, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन बनेगा, वहां से ए और डी की वैल्यू ले आएंगे, और ए और डी की वैल्यू आ गई तो आपका एपी सीरीज सॉल्व हो जाएगा। चलो तो टी फोर का मतलब ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 1 होता है, तो ए प्लस 4-1, ए प्लस 3d डायरेक्ट लिखना हो आप डायरेक्ट मत लिखना, ए प्लस 8d, टी 8 का मतलब ए प्लस 7d इक्वल टू 24, ए प्लस 8 2a, 7 और 3 10d इक्वल टू कितना हो गया 24, ठीक है। अब मैं इसको यही छोड़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको आगे सॉल्व भी कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, ये डिपेंड करेगा ये क्या आ रहा है। टी 6 कितना हो गया ए प्लस 5d, टी 10 कितना हो गया ए प्लस 9d इक्वल टू 44, तो 2a और 14d इक्वल टू 44, ठीक है। चलो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्या मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 लिखा है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 बोर्ड में आ रहा है, और दूसरा क्या लिखा है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कहानी खत्म। तो 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और 44 माइनस 24 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 5 20, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अच्छा अब मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आगे आप सॉल्व करोगे इसको, बोलो डी की वैल्यू अगर 5 आ गई, डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और जैसे ही आपका ए और डी आया, क्या आप कोई भी एपी सीरीज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास ए और डी आया तो आप क्या करोगे, पहला लिखोगे ए, दूसरा लिखोगे ए प्लस डी, तीसरा लिखोगे ए प्लस 2d, इस तरह से आप कोई भी इसका सीरीज निकाल सकते हो इजिली।
तो मैटर क्या करता है, मतलब क्या बनता है कि एपी सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग से क्या सीखे थे, सीखे क्या थे दिमाग में थोड़ा रियलाइज कर लेना। उसके बाद उसके एनेट टाइम पे बात हुई थी और क्वेश्चंस की बात हो रही है। अब क्वेश्चन मैं दोनों से करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी एडिशन में दोनों से करवा रहा हूँ, आपको जहां से दिक्कत होगी वहां से आप पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इसको देखने से थोड़ा डर लगता है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, इजी है, बस समझने का वो रहता है कि आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। फाइंड द नेक्स्ट फाइव टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जब a1 बराबर 1 दिया हो, an बराबर an माइनस 1 प्लस 2 दिया हो, ठीक है। अब मैं इसको बिठा रहा हूं, बस इतना सोचिए, कह रहा है फाइव टर्म निकालना है, कितना निकालना है फाइव टर्म, यानी हमको क्या निकालना है, a1 दिया है, a2 निकालो, a3 निकालो, a4 निकालो, a5 निकालो, नेक्स्ट फाइव टर्म ना, तो a6 भी निकालो, इतनी चीज निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान दो an बराबर कितना दिया है, n माइनस 1 प्लस 2, तो इसको नोट कर लेते हैं, an बराबर an माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। मैं आज इसमें क्या रखने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं रखने जा रहा हूं n बराबर 1, तो लिखूंगा पुट n बराबर 1, तो जिस दिन n बराबर 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा, a0, ठीक है, और ये कितना है आपके पास, प्लस का 2, कोई दिक्कत? तो a1 बराबर हमारे पास कितना दिया है, a1 बराबर कितना दिया है हमारे पास 1, तो a1 बराबर कितना दिया है 1, ये कितना हो गया a0 प्लस 2, यानी a0 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, a0 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, सही है। अच्छा, अब ये सारी कहानी आगे बढ़ती रहेगी, तो एक बार n की जगह 1 रख दो, देखना ध्यान से, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वैल्यू यूज करूंगा मैं। अच्छा, एक चीज देखो गड़बड़ हो गया है, हम लोग क्या किए हैं, एन की वैल्यू 1 रख दी है, लेकिन ये क्या दिया था, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहां मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये नहीं होगा। n की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या तो 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो n की शुरुआत ही मैं 2 से करूंगा, पुट n इज इक्वल टू टू, तो n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 8 प्लस 2, तो a2 a1 की वैल्यू कितनी है, 1 1 प्लस 2 3, a2 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। अब ध्यान देना, पुट बहुत आसान है, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, a3 बराबर a3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, a3 हो गया, a3 माइनस 1 a2 प्लस 2। अच्छा, अभी देखो थोड़ी देर पहले a2 की वैल्यू आई थी कुछ, a3 रखोगे, a2 की वैल्यू 3 आई थी, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, यानी a3 5 हो गया। अब आपको a4 निकालना है तो इनकी वैल्यू क्या रखोगे, a4, और उसमें किसकी सहायता लोगे, a3 की। a5 निकालना है तो आप क्या रखोगे, n की वैल्यू 5, और किसकी सहायता लोगे, a4 की। मतलब हर आगे का सीक्वेंस पीछे वाले सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, और इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात अच्छे समझना कि एपी में हम लोग स्टार्टिंग का जो पहला एक्सरसाइज था जो एनेट टर्म पे डिपेंड करता था, मैंने उसके मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच्चे बोले सर कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन कीजिए ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है, वो बात आपकी सही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर मैं पूरा एक्सरसाइज लगवा दूंगा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं सकता है, तो आप लगाओ, नहीं आएगा तो मैं उसके लिए बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी क्वेश्चन लगाओ। इसमें लगभग मैंने जो एपी का जो पहला एक्सरसाइज था जो एनेट टर्म पे डिपेंडेंट था उसमें मतलब मैंने आपको 90% क्वेश्चन बता दिए, 10% आप भी लगाओ, ठीक है। फिर जब अगला स्टार्ट करेंगे इसमें टॉपिक एपी में, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ द एनेट टर्म ऑफ एपी। अभी तक हम लोग टर्म की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे, सम की, ठीक। अच्छे से पढ़ाई करिए, चलिए, थैंक यू क्लास।